हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ सैमसंग M11 मोबाइल की कीबोर्ड की एक ऐसी सेटिंग के बारे में जिसमें दोस्तों आप अपने मोबाइल के कीबोर्ड के बैकग्राउंड में अपनी फ़ोटो को लगा सकते हो। इस सेटिंग को सीखने के लिए आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना है। सबसे पहले दोस्तों आपने अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद ही दोस्तों आपने नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर दोस्तों आप सभी के मोबाइल में एक ऑप्शन देखने को मिलेगी जनरल मैनेजमेंट। इस वाले ऑप्शन पर दोस्तों आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको कीबोर्ड लिस्ट एंड डिफॉल्ट की ऑप्शन देखने को मिल रही है, इस पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों डिफॉल्ट कीबोर्ड की आपको ऑप्शन देखने को मिल रही है, इस पर आपने क्लिक करना है। और यहां पर दोस्तों जी बोर्ड की आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रही है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों नीचे की ओर यहां पर सबसे लास्ट में दोस्तों देख सकते हैं, इसके ऊपर ही दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रही है जी बोर्ड। इस वाले ऑप्शन पर दोस्तों आपने टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रही है थीम। थीम वाले ऑप्शन पर दोस्तों आपने क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों माई थीम की जो आपको प्लस का आइकन देखने को मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद ही दोस्तों आप अपने मोबाइल की गैलरी में चले जाएंगे। यहां पर दोस्तों आपने उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है जिसको दोस्तों आप अपने मोबाइल के यहां पर कीबोर्ड के बैकग्राउंड में सेट करना चाहते हैं। जैसे दोस्तों यहां पर मैंने अपनी कुछ पिक्चर को यहां पर लगा लिया है। यहां पर दोस्तों इस पिक्चर को मैं यहां पर बैकग्राउंड में लगाना चाहता हूं मोबाइल के कीबोर्ड के बैकग्राउंड में। तो यहां पर इस तरह से दोस्तों आपके सामने इंटरफेस आएगा। नेक्स्ट पर दोस्तों आपने क्लिक करना और डन पर सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों अप्लाई के नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगी, अप्लाई पर दोस्तों आपने इस तरह से क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल में यहां पर दोस्तों जब आप अपने मोबाइल में कीबोर्ड को ओपन करोगे तो यहां पर दोस्तों सेम इसी तरह से आपके मोबाइल के बैकग्राउंड में पिक्चर आ जाएगी और इसी तरह से दोस्तों आप इस कीबोर्ड का यूज भी कर पाओगे। जैसे दोस्तों सैमसंग के में आप यूज करते हैं, सेम इसी तरह से दोस्तों आप इसका यूज कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग सेटिंग है। इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने मोबाइल में इसको अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों इस सेटिंग को आप अपने सैमसंग M11 के कीबोर्ड में कैसे लाओगे। जैसे ही दोस्तों आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाते हैं वहां पर दोस्तों आपको ये जी बोर्ड की ऑप्शन देखने को नहीं मिलती है। इस जी बोर्ड की ऑप्शन को लाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपने वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन का लिंक देखने को मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को आपने दोस्तों अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ही दोस्तों आप सभी के मोबाइल में यहाँ पर दोस्तों जी बोर्ड की आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने मोबाइल में इस सेटिंग को अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचते रहें।